अस्सलाम गाइस, कैसे आप सब। मैं हूं ममूना मरियम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है नेल्स, फेक नेल्स। अच्छा जी, मैं आप कह रहे होंगे ये क्या यार, आज ये यार क्या आज टॉवल पहन के बैठी हुई है। अच्छा है, कुछ ऐसा था कि मैंने आज जाना है मेहंदी पे, यानी कि फंक्शन पे जाना है, तो मैं ना नेल्स लगाने लगी थी। तो ये जो नेल्स हैं ये आप एक दफ़ा लगाएंगे ना अगर एल्फी के साथ, कुछ लोग डरते हैं कि एल्फी के साथ नेल्स जो है ना, लोग जो होते हैं ना वो एल्फी के साथ जो नेल्स वगैरह ना वो नहीं लगाते, ठीक है ना। तो इसके लिए पता क्या होता है कि इससे यार कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप एक दफ़ा एल्फी के साथ नेल्स लगा लेते हैं ना, इसका तरीका होता है कुछ लगाने का, ठीक है। अगर आप ये एल्फी के साथ नेल्स लगा लेते हैं ना, तो आपके यानी कि आप दो हफ्ते भी इजीली आपके यानी निकाल जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये मेरे नेल्स आप देख लो किस कंडीशन में है। मेरे अपने नेल्स भी बहुत बड़े होते हैं, बट जो है मेरे नेल्स आजकल बड़े ढीठू हुए हैं, भड़क नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। पता नहीं क्या इनको मसला हुआ है, नहीं तो मुझे तो लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती है ये फेक नेल्स। अच्छा जी, ये जो है ना ये वाला आप ले सकते हो, एक मिनट नज़र नहीं आ रहा, एक मिनट ऐसे, ओके ठीक है ना। एक आपको चाहिए एल्फी, ठीक है, और ये वाले नेल्स, ये आपको 100 रुपीज़ का ना पैक मिल जाता है, ठीक है। आप दूसरे भी ले सकते हैं, मैं दूसरे लेने गई थी बट वो मुझे मिले नहीं। अगर आप और इसको ना आप अपनी शेप के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, शेप भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हैं ये यानी कि टिप्स बताऊँगी थोड़ी बहुत जो कि आप फॉलो करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ये एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही है, ठीक है, रही है यार। और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे जो है ना आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का ना नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो आ गई है, ठीक है। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। नेल्स तो लग गए हैं, बट एक बात जो है वो मैं आपको बता दूं कि आपने जो है ना ये चीज़ चेक करके लेनी है, ये मटेरियल जो है ना इसका चेक करके लेना है, क्योंकि मटेरियल ना कुछ कुछ इस तरह के होते हैं कि अगर हम इस तरह से नेल्स लगाते हैं ना तो बीच में से ना क्रैक कर जाता है, ठीक है, बीच में से क्रैक कर जाते हैं। मैं दूर उठ बैठ जाती हूँ, बहुत ही मुँह बड़ा आ रहा है मेरा। अच्छा, तो बीच में से वो क्रैक कर जाते हैं ना, तो वो यानी कि टूटने लगते हैं, ठीक है। तो आपने मटेरियल बस अच्छा लेना है इसका देख के, ठीक है, अदरवाइज आपको कोई टेंशन नहीं है। आपके ये 1 वीक तो कहीं नहीं जाएंगे ये वाले नेल्स, ठीक है, तो कहीं पे भी नहीं जाएंगे आपके ये वाले नेल्स। 1 वीक तो बहुत मैं कम बता रही हूँ, मतलब कि 2 वीक्स आप इजीली निकाल सकते हैं इसके साथ। और जिनके नेल्स नहीं हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। और आई रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो का सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी जो नई वीडियो आए वो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है।
तो अब हम नेल पेंट लगाते हैं, ठीक है। नेल पेंट लगाते हुए भी मैं आपको बता दूँ, मैं जो कलर है वो यूज़ करूँगी, ये जो एल्फी है ना, एल्फी से अगर आपने इसको उतारना है ना, एंड में आपको मैं इसको उतारने का तरीका बताऊँगी कि अगर आपके नहीं उतर रहे हैं, जोर लगाना पड़ रहा है, आपको दर्द हो रहा है, तो आप किस तरीके से उतारेंगे नेल्स, एंड में मैं ये बताऊँगी, ठीक है। सबसे पहले हम नेल पेंट लगाते हैं। ये बहुत ही प्यारा शेड है, मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट कलर है। ये है जेनी का 360 जेनी। ये इतना न्यूड और इतना प्यारा शेड है ना कि ये डार्क कलर के हैंड्स हों उन पे भी लग जाता है, ठीक है, जिनके फेयर हैंड्स हों उन पे भी लग जाता है ये। सो मैंने नेल्स लगा लिए हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कितना प्यारा कलर है, कलर चेक करें, कलर लुक एट दिस, इतने प्यारे लग रहे हैं और ये बिल्कुल नेचुरल लग रहे हैं, लग ही नहीं रहा है कि मैंने कुछ लगाया हुआ भी है, यानी कि फेक नेल्स लगाए हुए हैं, क्योंकि इनकी ज़्यादा लेंथ भी नहीं है, क्योंकि लेंथ इनकी नॉर्मल है। और है कि ये है कि अगर आपकी नेल पेंट जो है ना ड्राई हो जाए, तो आप इसके अंदर थिनर डाल के इसको ऐसे ऐसे करेंगे ना, तो ये ना यानी कि आप इसको यानी कि फ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड हैड की ये है कि आप अगर इसको उतारना है तो आप एल्फी यानी कि गर्म पानी में डिप करेंगे। अगर आपकी ये नेल पेंट है ना जो, अगर ये बिल्कुल यानी कि गीली है और आपको जल्दी जल्दी जाना है कहीं पे और ये सूख नहीं रही है, तो आपने क्या करना है, इसको ये बर्फ़ वाले ठंडे पानी में ना इसको ऐसे डिप करके रखना है अपने हैंड्स को ऐसे, ठीक है, अपने नेल्स को, और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, जल्दी से ड्राई हो जाएगी ये नेल पेंट और ये आपके हैंड्स पे, और जल्दी जल्दी आप जा सकते हैं, ठीक है। मेक श्योर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा कि ये टिप आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं रही, और बेल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे जो है ना आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का ना नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो आ गई है।